अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपका मनपसंद इत्तेहाद न्यूज़ उर्दू चैनल अब टेलीविजन पर नेक्स्ट डिजिटल यानी कि नेक्स्ट डिजिटल के 131 नंबर चैनल पर आप हर रोज देख पाएंगे। बेलगाम शहर में पहली बार हिंदुजा ग्रुप का नेक्स्ट डिजिटल ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक नेक्स्ट डिजिटल भारत के 100 से भी ज्यादा शहरों में 700 से भी ज्यादा चैनलों के साथ 1000 एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड के साथ इत्तेहाद न्यूज को हिंदुजा के या नेक्स्ट डिजिटल में मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और यह मौका फराहम करने के लिए HKGN स्पेस विजन आजमनगर के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह इत्तेहाद न्यूज आपको माशरे के मुख्तलिफ मसाइल पर बेबाकी के साथ अपनी राय पेश करता रहेगा और हकीकत से आशना कराने की कोशिश भी करता रहेगा। लिहाजा नेक्स्ट डिजिटल और HKGN स्पेस विजन के मालिक जनाब असलम खान पठान का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बेलगाम और अतराफ के अवाम ने हमेशा इत्तेहाद न्यूज के हर प्रोग्राम को सराहा। आपकी दुआओं की वजह से टीवी चैनल तक का सफर अल्हम्दुलिल्लाह आसान रहा। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब असलम खान पठान साहब जो नेक्स्ट डिजिटल के बारे में आपके सामने चंद अल्फाज रखेंगे। आज के इत्तेहाद न्यूज यूट्यूब के साथ 131 नंबर चैनल पर इत्तेहाद न्यूज नजर आएगा। अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में दिन भर की पूरी खबरों के साथ अहम हस्तियों की मुलाकात के साथ तबसरे तस्करे आप देखते रहेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब असलम खान पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे तरफ से और NXT डिजिटल के तरफ से तमाम व्यूअर्स, तमाम टीम जो इस चैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं और HKGN स्पेस विजन के तरफ से और आजम नगर से मैं मुबारकबाद देता हूँ इत्तेहाद न्यूज़ को जो उन्होंने सोचा कि NXT डिजिटल में न्यूज़ स्टार्ट किया जाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असलम खान पठान साहब। आपने मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यह मौका दिया, क्योंकि हमारी शुरुआत 2013 से हुई। 2015 में हमने इत्तेहाद न्यूज़ यूट्यूब चैनल शुरू की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जनाब असलम खान पठान ने नेक्स्ट डिजिटल स्पेस विजन के तहत हमें ये मौका, बेलगाम लोकल न्यूज़ चैनल का हमें मौका दिया है, जिसके लिए मैं फिर एक बार दिल की अभी गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।